Hello students, let us continue examples of exercise 7.4. We are on example 5. We have to differentiate it. अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो आपको देखते ही पता चलेगा कि हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. आप 2 रेस्ट पर x प्लस 1 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 2 इंटू 2 रेस्ट पर x, बेस सेम है, पावर सेपरेट कर देंगे हम इसकी. एंड आफ्टर पुटिंग 2 रेस्ट पर x इज इक्वल टू 10 थीटा, you will get 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and that is equals to sine 2 theta, and from here theta is equals to tan inverse of 2x, 2 raised to the power x, and this is sine 2 theta, and you know very well sine inverse of sine fx is equals to fx. Chapter 2 ke according kiya tha humne. So this is simply 2 theta, and theta ki value yahan se put kar denge. Derivative of tan inverse of fx, 1 upon 1 plus fx square, and this 2 as it is, into further derivative of 2 raised to the power x. Ab dekho 2 raised to the power x ka derivative kya hota hai? Ye 2 as it is, a raised to the power x ka derivative, a raised to the power x into log a. So this is 2 raised to the power x into log 2 upon 1 plus iska square hai. Powers combine karoge to maine aapko pehle hi bataya hai, 2 raised to the power 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x means combine होके again 4 raised to the power x बन जाएगा, into में log 2, okay. Next part is this, you have to differentiate it. देखो है तो ये भी कुछ उसी form का है, देखो 1 plus means आपको फिर से sin 2 theta means 2 tan theta upon 1 plus tan square theta की form में convert करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा करते कैसे हैं. तो चलो इसको हम split कर लेते हैं. पावर्स अलग करोगे तो 2 इंटू 2 रेस टू द पावर x इंटू 3 रेस टू द पावर x. आपको पता है नीचे क्या आता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. तो थोड़ी देर के लिए 36 को लिख सकते हैं हम 6 स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं क्या होगा. अब आप ऊपर अगर ध्यान से देखो, अगर हमारे पास देखो x रेस टू द पावर a इंटू y रेस टू द पावर a, पावर्स अगर सेम हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, 2 into 3 raised to the power x upon 1 plus, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, मैंने क्या किया 6 raised to the power x इसकी पावर 2. तो कुछ कुछ हमसे ट्रैक पर जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा. 2 3 the 6 raised to the power x upon 1 plus 6 raised to the power x, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है हम. तो अब हम क्या कर देते हैं, पुट 6 raised to the power x is equals to 10 theta. बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो चुका है हमारा ये एग्जांपल भी. तो यहां से आपके पास थीटा कितना आ चुका है, 10 इनवर्स ऑफ 6 रेज टू द पावर x. तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर करोगे, इट विल बी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज sin 2 थीटा, सॉरी दिस इज sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा. यहां पर आप फार्मूला मेंशन कर दोगे, एंड sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज 2 थीटा, मींस फंक्शन आ जाएगा. और थीटा की वैल्यू जब आप वहां से रखोगे, दैट इज 10 इनवर्स ऑफ 6 रेज टू द पावर x. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे d बाय dx, 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स ऑफ fx दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस fx स्क्वायर मींस एंगल का स्क्वायर 6 रेज टू द पावर x, और इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 6 रेज टू द पावर x. और आपको पता है a raised to the power x का derivative a के power x into log a upon this, okay. और आप इसको यहीं पर leave कर सकते हो, ठीक है, that is yes students, here we have to do its square ना, derivative of tan inverse x is 1 plus x square, so this is x square. और इसको आप फिर से कैसे लिख सकते हो, 2 log 6 into 6 raised to the power x, यहाँ पर 6 square भी कर सकते हो, and 6 square is 36 raised to the power x, उसी form में हो गया ना ये, जिस form में हमें given था. चलो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं हम इसको. Yes, next example is you have to differentiate it. Here e raised to the power sin x और sin of e raised to the power x, की पावर में साइन एक्स है और यहाँ पर साइन का एंगल ई रेस्ट टू दी पावर एक्स है. तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, हम ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं. सो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल हियर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. क्लियर, जैसे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये एज इट इज साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव
cos of fx, और इनटू में fx का डेरिवेटिव मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है, फिर से e की पावर x ही होता है, प्लस sin ऑफ e रेस्ट टू की पावर x एज इट इज, e की पावर x fx का डेरिवेटिव आपको क्या पता है, क्या होता है, वही e की पावर x ही होता है, तो दिस इज e रेस्ट टू द पावर sin x, बट इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. अब आप यहां देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, आपके पास यहाँ पर e रेस्ट टू द पावर sin x यहाँ पर भी है और e रेस्ट टू द पावर sin x यहाँ पर भी है, बाकी कुछ नहीं ले सकते. सो टेकिंग इट कॉमन यू विल गेट e रेस्ट टू द पावर x इनटू cos ऑफ e रेस्ट टू द पावर x, ये इसका एंगल है, प्लस हियर इट इज cos x इनटू sin ऑफ e रेस्ट टू द पावर x. नेक्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, log ऑफ fx का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, 1 अपॉन fx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1 बाय 2, तो ये एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट x का डेरिवेटिव n x n माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और a स्क्वायर का कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज एज इट इज नाउ टेक इट्स एलसीएम, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x. इफ यू सी केयरफुली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कैंसल्ड हियर, सो यू विल गेट डेरिवेटिव इज 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यस नेक्स्ट एग्जांपल इज यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू फाइंड डिवाइड बाय dx. इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया है, वहां पर क्या था, sin x था, वहां पर हमने डायरेक्ट log वाले फॉर्मूले लगाए हैं सारे, मीन्स यहाँ पर ये फॉर्मूला कोई हमने नहीं लगाया था, बट अगर आप यहाँ पर ये फॉर्म लगाते हो तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है. आपने लगाया 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड हियर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज 10 स्क्वायर अंडर द रूट, मीन्स दिस इज सिंपली 10 एक्स बाय 2, दिस इज योर वाई एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट. तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स दैट इज 1 अपॉन एफ एक्स, मीन्स 1 अपॉन cot x by 2 into derivative of tan x by 2 into derivative of tan x is secant square x by 2 and further derivative of x by 2 is 1 by 2. अब आगे आप इसको कैसे लिख सकते हो, this is 1 by 10 means cos by sin, this is cos x by 2 upon sin x by 2 और ये वाला 2 मैंने यहाँ पर लिखा upon sin, secant के नीचे जाएगा तो this is cos square x by 2. इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं एंड दिस इज 1 अपॉन साइन एक्स, क्यों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा एंड 1 बाय साइन थीटा इज कॉसिकेंट एक्स. ओके नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड डीवाई बाय डीएक्स. देखने में ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन जब आप इसका सॉल्व करोगे बहुत ईजी है. आप इसको देखोगे एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है, मीन्स कौन सी फॉर्म हो गई है, log m into n और वो किसके इक्वल होता है, log m plus log n. तो जब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो तो ये क्या बनेगा, log of e raised to the power x plus log of x plus 2 upon x minus 2 raised to the power 3 by 4. ओके और आपको पता है log और e एंटी होते हैं तो ये सिंपली आपके पास क्या आने वाला है, लॉग और ही कैंसिल जाएंगे, दिस इज एक्स एंड दिस इज लॉग एम रेज टू द पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एन लॉग एम, 3/4 आ गया जाएगा एंड दिस इज एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2. बहुत बार लिख चुके हैं इसका रीजन हम, आपको आंसर शीट में जरूर लिखना पड़ेगा. लॉग एम बाई एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन. ओके नाउ टेक इट्स डेरिवेटिव, बहुत सिंपल होने वाला है ये, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस 3 बाय 4, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स दैट इज 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव फिर से 1 आने वाला है माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का फिर से 1.
जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, माइनस साइन दोनों के साइन चेंज करने वाला है, एक्स के साथ एक्स कैंसल, 1 प्लस 3/4 इंटू दिस इज माइनस 4 अपॉन a प्लस b a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, छोटे छोटे फॉर्मूले हम यहाँ पर इसका रीजन मेंशन नहीं कर रहे, दिस इज माइनस 3 अपॉन x² - 4। फर्दर आप इसका एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, इट विल बी x² - 4 - 3, दिस इज x² - 7 अपॉन x² - 4। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट इट। देखो डिफरेंशिएट करने से पहले लोग वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ये क्या है, अंडर रूट में है, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे अंडर रूट के अंदर, ये कितना हो जाएगा, x² + 1, नाउ इट विल बी डिनोमिनेटर, अगर आप इनके सेपरेट करोगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा सिंपली। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा आपका, 1 प्लस अंडर रूट x² + 1 अपॉन x, हो गया ना सिंपल, लोग एम बाई एन फॉर्म। तो इसको अब आप आगे कैसे लिख सकते हो, लोग एम माइनस लोग एन। अब ध्यान क्या रखना है, एक माइनस आप लगा रहे हो और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस लॉग एक्स। ओके अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको क्या लिख सकते हो, चलो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x² + 1, दैट इज 2x माइनस फिर से log ऑफ fx का डेरिवेटिव 1 अपॉन fx मीन्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस नो नीड टू राइट इट, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट x² + 1 इंटू फर्दर x² + 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x। देखो अब क्या क्या कैंसिल होता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में देखो आपके पास क्या आ रहा है, एक ये टर्म और एक ये, दोनों में अंडर रूट ऑफ x² + 1 है, तो हम उसको पहले ही कॉमन ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर ओनली x लेफ्ट हुआ, x माइनस, तो x भी ले सकते थे हम कॉमन, चलो अब रहने दो, माइनस, देखो यहाँ पर ये बाहर जा चुका है, माइनस x अपॉन में यहाँ पर कितना है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² एंड प्लस 1/x। ओके तो नेक्स्ट चलो अब x ले लेते हैं। तो जब आपने यहाँ एलसीएम लिया तो वो 1 के इंटू में जाएगा, तो सिंपली क्या बनेगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² और यहाँ पर माइनस 1 ही रहेगा एंड 1/x एज इट इज, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब क्या बचा है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज आ रही है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, इसके साथ ही कैंसल, दिस इज एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² एंड प्लस 1/x, ये आपका डेरिवेटिव आ चुका। लास्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो लेट y इज इक्वल टू दिस। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर log m अपॉन n का फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, log m माइनस log n, ओके एंड प्लस दिस टर्म एज इट इज, बस क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशंस लेंथी होंगे इसमें। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx इज 1 अपॉन fx मीन्स x² + x + 1 और इंटू में fx का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1,
minus log of fx ka derivative 1 upon fx means x square minus x plus 1 into derivative of this, that is 2x minus 1 plus iska derivative dekho. Tan inverse of fx ka derivative kitna hota hai? 1 upon 1 plus fx square means under root 3x upon 1 minus x square ka square or into derivative of this angle. Means yahan par aapko kya lagana padega? Quotient rule. So, agar aap yahan par dhyan se dekhe, to iska to hamein LCM hi lena padega. To jab aapne LCM liya, x square plus 1 plus x और इसको मैंने लिखा x square plus 1 minus x. क्यों लिखा? a plus b a minus b की फॉर्म बन जाएगी, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा. तो जब हम LCM लेंगे, ये इसके into में जाएगा, means यहाँ पर क्या होने वाला है? 2x plus 1 into x square minus x plus 1 and minus 2x minus 1 के into में x square plus x plus 1, okay? And plus 2 upon under root 3. अब आप देखो, जब LCM लोगे तो 1 plus x square का whole square ऊपर जाएगा, तो ये आपका कैसे बन जाएगा? 1 minus x square का square numerator में, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 minus x square का square plus under root 3x का square, it will be 3x square. अब यहाँ पर जो ये under root 3 है, ये क्या है? कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर ही रहेगा, तो इसको मैं यहां पर राइट कर देती हूं अंडर रूट 3. ओके, अब x अपॉन 1 माइनस x का कोशेंट रूल लगाना है, तो क्या लगेगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. हियर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर 1 माइनस न्यूमिरेटर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 2x. इस अंडर रूट 3 से ये कैंसिल हो चुका. अब हमें ध्यान से कैलकुलेशन करनी है. सबसे पहले तो देखो, डिनोमिनेटर में x plus y into x minus y, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? x square a x square plus minus y square means x plus 1 का square minus x square, इनको मल्टीप्लाई करोगे. सबसे पहले 2x को सबसे करते हैं, तो ये होने वाला है 2x cube minus 2x square plus 2x, फिर plus x square minus x plus 1. अब ये negative sign है, तो हम bracket लगा के फिर calculation करेंगे. जब 2 से करेंगे तो ये कितना बनेगा? It will be 2x cube plus 2x square plus 2 minus x square minus x minus 1. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ हो चुका. और अगर आप इधर calculation देखोगे ये, तो यहाँ पर क्या है? ये दोनों cancel हो गए. अब यहाँ ये क्या लेफ्ट है? सिर्फ 2, और बाकी क्या है न्यूमिरेटर में? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स फोर माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 एक्स स्क्वायर. क्लियर? यहाँ अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी. इट इज 2x क्यूब, साथ के साथ कंबाइन कर देते हैं, इजी रहेगा. माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर इज माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये दोनों हो गए. प्लस 2x माइनस x इज प्लस x एंड प्लस 1. सिमिलरली साथ के साथ ये कर देंगे, माइनस 2x क्यूब. देखो, प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर, बट माइनस है बाहर, तो माइनस एक्स स्क्वायर. आफ्टर दैट 2 माइनस 1 इज प्लस 1, बट बाहर माइनस है, तो ये माइनस 1, ये भी जा चुका. माइनस माइनस ये क्या बना? प्लस प्लस एक्स एक्स. यस, यहां पर हमने क्या किया, ये जब मल्टीप्लाई किया था तो 2x इंटू 1, दिस इज 2x. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2x माइनस x इज प्लस x, बट बाहर माइनस है, तो दिस इज माइनस x. ओके, एंड अपॉन, इसका फिर से आप यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं,
तो x 4 plus 1 and plus 2x square and minus x square. और यहाँ पर ये आपका आ चुका है minus 2 into 1 plus x square और upon में this is x 4 plus x square plus 1. अब यहाँ जो cancel out होता है वो कर देते हैं, ये cancelled, x भी cancel here, 2 minus 2x square upon this is x4 plus 1 plus x square और क्या है 2 into 1 plus x square upon x4 plus x square plus 1, same चीजें आ रही हैं लगभग. तो जब आप यहां से 2 2 कॉमन लोगे तो वो कितना बनेगा 1 4 and 1 minus x square into 1 plus x square और यहां पर denominator में क्या है 1 plus x square plus x4 raised to the power 2. फिर से अगर आप numerator में देखो, अच्छा हम कोई mistake करके आ रहे हैं, यहां पर कौन सा sign है plus, तो यहां हमने ये multiply लगा दिया, यहां पर ये हमारा plus sign है. okay, तो दोनों का denominator same है, यहां पर भी 2 है, 2 दोनों में से common ले लेते हैं हम, और यहां पर ये है हमारा ये plus sign. तो this is 2, LCM लेंगे जब हम इसका, तो यहां पर power नहीं है, ये denominator same है. okay, और जब x square से x square cancel, so this is 2 into 2 upon 1 plus x square plus x4 and this is 2 to the 4 upon 1 plus x square plus 4. So this is all about your examples of exercise 7.4. Thank you.